वो पाकिस्तान की गोलियों से बचाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, पुंछ सेक्टर। पुरअमन तरीके से यौम आज़ादी की तकरीबात को यकीनी बनाने के लिए जो खत्ते में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, अमन में खलल डालने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए वसी तर बंदोबस्त किए गए हैं। खासतौर पर पाकिस्तान के साथ मुतसल सरहदों पर सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। जम्मू शहर में मौलाना आजाद स्टेडियम को अमली तौर पर सील कर दिया गया है। यहां चप्पे चप्पे पर नीम फौजी दस्तों के इजाफी जवान तैनात किए गए हैं। याद रहे कि 15 अगस्त की मरकजी तकरीब इसी स्टेडियम में मुनाकिद की जाएगी। यहां पुलिस ने भी तलाशी और निगरानी के अमल को सख्त कर दिया। कल होने वाली तकरीब पर पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला हुकाम समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्का है। आज़ादी के सिलसिले में जो तकारीब हो रही है जम्मू कश्मीर में, उसके मद्देनज़र जम्मू में भी सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। और जहां जहां पे इंडिपेंडेंस डे फंक्शंस हैं, अगर मैं जम्मू की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये एमए स्टेडियम है, मौलाना आज़ाद स्टेडियम है जम्मू का, और यहाँ पे ही जो मेन फंक्शन है जम्मू डिवीज़न की वो होने वाली है, जिसको एडवाइज़र जो राजीव राय भटनागर वो यहाँ पे सुबह कल सुबह झंडा फहराएंगे और सलामी लेंगे। तो उसको देखते हुए आप देख सकते हैं इस स्टेडियम के चारों ओर जो सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस SOG है जो जम्मू कश्मीर की, उसकी टीम्स, इसी के साथ साथ आर्मी, ITBP और CRP और बाकी जितने भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो जवान हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। भारी संख्या में उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जा रही है पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से, और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं उनकी तरफ से टाइट सिक्योरिटी है। सर्वेलेंस को बहुत ज़्यादा बीफ अप किया जा रहा है और आप देख सकते हैं भारी मात्रा में पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और जहाँ तक प्रोटोकॉल है, जिस तरह से एक सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल यहाँ पे रखा गया है, और देख सकते हैं आप लोग भी यहाँ पे मजदूर हैं, वो काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी कल लोग आएंगे उनको इसी जो एक रास्ता बनाया गया है वहाँ से गुजरना पड़ेगा। उनकी फ्रिस्किंग होगी, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स चेक किए जाएंगे, उसके साथ साथ जितने भी प्रोटोकॉल हैं सिक्योरिटी के वो उनको उन मराइल से गुजरना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे बकरपन गाड़ियाँ भी, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ रखी गई है SOG की तरफ से कि किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पे बिल्कुल मुस्तैद हैं। और ये जो मैं आपको कहूँ, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, एमए स्टेडियम में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ पे यूम आज़ादी की तकारीब है जहाँ पे होने वाली है वहाँ पे सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जो बहुत ही संवेदनशील एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। नाइट पेट्रोलिंग खास पर उस पर ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, उसको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, नाइट पेट्रोलिंग की जा रही है। और कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, News 18 जम्मू। PDP के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि NC और PDP की दो मुखालिफ सिरे हैं, ताहम एक बड़े अवामी मुफाद के खातिर ये दोनों जमातें एक साथ हुई हैं और इस इत्तेहाद को कतई तौर पर नहीं किया जा सकता। कर्नुक्वास अनंतनाग में नामी सियासी कारकुन गुलाम नबी डार के इंतकाल पर ताजियत में शिरकत के बाद डॉक्टर बेग ने इन बातों का इजहार करते हुए कहा कि PDP अपने एक अलग मंशूर पर काम कर रही है और फिल वक्त PDP के लिए इलेक्शन कोई तरजीह नहीं। इस राय का एहतराम करके कि आपको एक आवाज में हमारे आईनी और जो जो जायज हुकूक है उनको रेस्टोर करने के लिए एक होना चाहिए, उस को मद्देनजर रखते हुए एक होना चाहिए। मगर क्या हमने मर्जर किया? हमने मर्जर नहीं किया है। हम PDP है, हम PDP को मजबूत करेंगे, बाकी पार्टीज जो हैं वो अपनी पार्टीज को लेके मजबूत करेंगे। और इरिटेशन और ये जो बिकरिंग आप देख रहे हैं ये नेचुरल भी है, नहीं होना चाहिए बट नेचुरल है, नेचुरल इन द सेंस क्योंकि हम PDP का वजूद इसीलिए आया है कि यहाँ के लोगों को ऑल्टरनेटिव दिया जाए। तो हमारा जो वो नेचुरल है वो तो हमारा नेचुरल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP दो पोल्स अपार्ट है, मगर सिचुएशन को देख के, सिचुएशन को मद्देनजर रख के, लोगों के हुकूक को मद्देनजर रख के और लोगों के इस राय का एहतराम करके कि हमें एक होना चाहिए, हमें उसके लिए।
दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के मुजवजा फैसले पर तबसरा करते हुए डॉक्टर महबूब बेग ने कहा है कि इस पर कुछ भी कहना कबलज वक्त होगा, लेकिन पीडीपी हमेशा इस बारे में बात करेगी। ये टू लिटिल टू लेट, बहुत कम और बहुत देर से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के इमीडिएटली बाद इसका सो मोटो कॉग्निजेंस लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहती कि वहां पे आप कोई एक्शन नहीं करेंगे, कोई इंप्लीमेंट लॉ नहीं करेंगे जब तक हम लॉजिकल कंक्लूजन या जब तक हम अपना वर्डिक्ट डिलीवर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी 3 केसेस में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है ये परमानेंट बन गया है। मगर वहां एक बात बहुत अच्छी जो उभर के आ गई, हमारे वकीलों ने, हमारा वकील भी है वहां, हमारे वकीलों ने, कपिल सिब्बल ने जिस तरह कश्मीरियों की तर्जमानी की, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को समझाया और पूरे देश को समझाया कि उस दिन क्या हुआ है, वो मेरे ख्याल में आंखें खुलनी चाहिए उन लोगों की भी जो समझते नहीं थे कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ। वादी में मकामी सियासी पार्टियां इल्जाम आयद कर रही हैं कि यौम आजादी पर कश्मीर के लोगों पर हुबल वतनी का जज्बा थोपा जा रहा है। ऐसे इल्जाम लगाने वाली पार्टियों पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर ने जमकर तनकीद की। अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग चाहते हैं कि उनके साथ हिन्दुस्तान के शहरी जैसा ही सलूक हो, लेकिन सियासी पार्टियों को यहां अपनी ही सीटें खो देने का डर सता रहा है। अल्ताफ बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की समाज के तरीकेकार पर भी इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन इस मामले में क्रेडिट ले रही है सियासी पार्टियों पर उन्होंने सवाल उठाए। अल्ताफ बुखारी का कहना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ मुजाकरात की वकालत करने के बजाय कश्मीर में दिल्ली के दरमियान मुजाकरात कराने और राबता बढ़ाने का जिक्र करें। कुछ चीजें आपको सच बताऊं, अब मुझे पता नहीं है यहाँ जो लोग ये कहते हैं, बात यह है, मुझे बताइए आप, चीखो पुकार से जम्मू कश्मीर के लोग भारत को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम भारत के वैसे ही वासी हैं जैसे आप लोग हैं, हमें दोहरी मेयार से ना डील किया जाए। लेकिन ये जो हमारे सियासी कायदीन हैं, इनको कहीं ना कहीं शायद अपनी कुर्सी डगमगा रही है, क्यों इनकी वो ड्रामाबाजियां डगमगा रही है। जम्मू कश्मीर के लोग पुरामन है, इसमें क्या सियासत है कि क्या पूरा टेरिटरी और लोग चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जितना क्रेडिट लोगों को देता हूं तभी ये मुमकिन हो उसका है अमन, जो आप 4 साल से देख रहे हैं। अगर एक चेंज ग्राउंड पे लोगों के दिलों में नहीं होती ये मुमकिन नहीं था। ये इससे भी ज्यादा कहें, कोई कहता है देखा जी हम उसको जवाब दे रहे हैं, अब कितने हाथ मिले झंडा उठाने के लिए, कोई ये कहता है कि जनाब ये टेरिटरी एंट्री दी जाती है, हम ना कोई अशिया है जिसे खरीदा और बेचा जाए, ना हम इंसान है, जी इज्जत लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जी इज्जत है, कहते हैं ना आधी रोटी खाएंगे अपना सर नहीं झुकाएंगे, लेकिन हमें फख्र है अपने हिंदुस्तानी। डॉक्टर साहब के अपने व्यूज हैं, अगर वो जम्मू कश्मीर को दिल्ली के साथ बातचीत कराएं वो ज्यादा कामयाब रहेगा, क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों के मसलों को हल करें। और एक बेड़ा जो उन्होंने 370 का उठाया था जब वो 2019 में इलेक्शन के लिए सामने आए, तो मुझ जैसे लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया, उन्होंने कहा था मैं बचाऊंगा, उसमें तो वो नाकाम हो गए, बचाने में तो नाकाम हो गए, अब वो क्या क्या बातें कहेंगे आप साहब। लेकिन सियासी कदावर सख्त है, मेरा उनके बारे में कहना मुनासिब नहीं रहता, लेकिन फिर भी यह है कि अपनी उम्र के हिसाब से जो वो कहते हैं हम सुनते हैं, और यही हमें बड़ों ने सिखाया है कि बड़ों की इज्जत करें, हम करते रहेंगे। देखिए मुझे ये मालूम नहीं जो भी लड़ रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहा है कि मुझे नहीं लगता है जात के लिए कोई लड़ रहा होगा, और अगर कोई जात के लिए लड़ रहा है वो क्लियर करें, फिर उनकी जात को श्रद्धांजलियां भी देंगे और मुबारकबादी भी दे देंगे। स्मार्ट मीटर्स के मामले पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कहा कि उन्होंने पहले ही एलजी के साथ ये मामला उठाया है। रैना कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत आई है कि गलत रीडिंग्स स्मार्ट मीटर्स
में रिफ्लेक्ट हो रही है और उसका हमने नोटिस लिया है और मैंने और मेंबर पार्लियामेंट साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने बात की है और मुझे यकीन है कि इस पर एलजी साहब फैसला ले लेंगे। हालांकि एलजी साहब ने यह कह दिया है कि गरीबों के जितने भी बिल हैं वो माफ कर दिए जाएंगे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है। लेकिन जो कॉमन आदमी है, जो आम शहरी है, जिनका बिल कभी 3,000 आता था तो ऑल ऑफ सडन अगले महीने 10,000 आया, ये चीजें भी ठीक होनी चाहिए। किसी को किसी प्रकार की हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला यहां पे जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए।